नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश और कैड सीरीज के भी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। ये है कैड का लेक्चर नंबर 27, जिसमें मैं आपको एक ड्राइंग के बताऊंगा दोस्तों। एक रियल ड्राइंग आपको यहां पे मैं आज बताने वाला हूं। इस तरह की ड्राइंग कैड में हम कैसे बनाएंगे ये हम सीखने वाले प्रॉपरली। लेकिन ये ड्राइंग सीखने के पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिसमें ड्रॉ मेनू मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ड्रॉ टूल बार जिसे हम बोलते हैं, ड्रॉ मेनू या ड्रॉ टूल बार, डायमेंशन एंड मॉडिफाई अगर आपको आता है तो ये ड्राइंग आपको आसानी से आ जाएगी। तो चलिए इसको सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये जो ड्राइंग दिख रही है दोस्तों, इसमें आपको ड्राइंग को रीड करना होगा प्रॉपरली। रीड यहाँ पे मैंने जूम करके रखी है यहाँ पे आपको रीड करने के लिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरनल सर्कल जो दिख रहा है, आपको दिख रहा है इंटरनल सर्कल, जो छोटा सा सर्कल दिख रहा है जिसका डायमीटर यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 डायमीटर है। 20 यानी कि रेडियस इसका 10 हो गया। यहाँ पे जो सेकेंड सर्कल आप मेरा माउस पॉइंटर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है सेकेंड सर्कल जो कि R20 दिया है, मतलब इसका रेडियस 20 है। जो सर्कल यहाँ पे इस तरह से कट है, इस तरह का ये सर्कल है। थर्ड सर्कल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है R45 का, यहाँ पे माउस पॉइंटर है मेरा उसके ऊपर, वैसे ही R45 आपको दिख रहा है, ये डायमेंशन यहाँ पे दिया है। और फोर्थ सर्कल जो कि यहाँ पे 50 मेंशन किया है नीचे आपको दिख रहा है, और ये यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉर्डर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये है 50 का। तो आपको ये चार सर्कल यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलिए ये चार सर्कल पहले ड्रॉ कर लेते हैं कैड के अंदर। कैड यहाँ पे मेरा चालू है, सी इंटर मैं प्रेस कर रहा हूँ और मैं पहला 10 रेडियस का सर्कल, क्योंकि वो 20 डायमीटर दिया है तो 10 रेडियस का सर्कल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे जो UCS बीच में आ रहा है, UCS यहाँ पे मैं कैसे मूव करूंगा आपको मैं दिखा देता हूँ। टूल्स में न्यू UCS और यहाँ पे आपको ओरिजिन ऑप्शन मिल चुका है, ओरिजिन पे क्लिक कीजिए। UCS को मैं ऐसा कॉर्नर पे रख देता हूँ। तो पहला 10 का यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ हो चुका है। ऐसा मैं बीच पे क्लिक करके या पैन टूल यहाँ पे आपको दिख रहा है, पैन टूल से आप इस इमेज को इस तरह से कर सकते हैं। पैन टूल ये ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करके फिलहाल एग्जिट कर देता हूँ। पहला सर्कल हो चुका है 10 का, दूसरा सर्कल 20, तीसरा 45, सो सी इंटर अगेन, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे 20, और तीसरा फिर से सी इंटर करने की जरूरत नहीं, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी सर्कल रिपीट होगा। लास्ट कमांड रिपीट करने के लिए एंटर या स्पेस आप कर सकते हैं। 45 का सर्कल है यहाँ पे, और फिर से एंटर बटन, और ये सेंटर पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सेंटर पॉइंट। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, माउस पॉइंटर अगर इसके बॉर्डर पे लाते तो सेंटर पॉइंट वैसे भी हाईलाइट हो जाता है। 50 और एंटर, तो यहाँ पे आपको ये चारों सर्कल मिल चुके हैं। फिर से मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ एक बार, मतलब जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट करने की एक शॉर्टकट की है जो मेरे पुराने वीडियोज में है। फिलहाल आप देख लीजिए यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ, जेड इंटर और ई इंटर, काफी बढ़िया यहाँ पे हो चुका है। चलिए अब आपको ये प्रॉपर चारों भी सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये एक स्टेरिंग या फिर स्टेरिंग की तरह ही है समझो आप। तो यहाँ पे जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये 6 सर्कल का यहाँ पे मुझे कोई एंगल नहीं दिया है। तो मैं कंसिडर कर देता हूँ कि यहाँ से ये है मेरा सेंटर क्वाड्रेंट पॉइंट, तो इससे यहाँ पे जाएंगे तो ये 30 एंगल्स रहेगा, ऐसा मैं कंसिडर कर देता हूँ। वैसे भी मुझे इन सभी सर्कल के एंगल जो है वो सेम डिस्टेंस पे रहने चाहिए बस। तो मैं इसको एरे में किस तरह से करूँगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सी इंटरप्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ सी इंटरप्रेस करके। उस सर्कल का रेडियस मैं आपको दिखाना भूल गया दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ उसका रेडियस क्या है। यहाँ पे भी जूम करके आप देख सकते हैं, बाहर का रेडियस है 8 है बाहर के सर्कल का, बड़ा सर्कल 2 सर्कल है वहाँ पे, और छोटा जो है इसका रेडियस आपको दिखाई देगा यहाँ पे, डायमीटर 8 है यानी कि रेडियस 4 है, तो अंदर का रेडियस 4 है। तो मैं यहाँ पे पहले अंदर का ले लेता हूँ, चलो 4 ले लिया मैंने, और फिर से मैं सी इंटर यानी कि सर्कल फिर से, और मैं यहाँ पे 8 इंटर कर देता हूँ। अब ये 2 सर्कल हो गए और इसको मैं एरे करूंगा। एरे के लिए AR एंटर कर सकते हैं आप, एरे का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन सा एरे आपको सिलेक्ट करना है, पोलर एरे, जी हाँ, क्योंकि हम सर्कुलर रोटेट करना चाहते हैं। तो चलिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन पे क्लिक कीजिए और इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं राइट बटन पे क्लिक करूंगा, सर्कल के बॉर्डर क्लिक करने के बाद वो सिलेक्ट होता है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डायलॉग बॉक्स वापस आ जाता है एरे का, और इसमें आपको पिक सेंटर पॉइंट ऑप्शन आ जाता है। पहले मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ये पॉइंट लिया था, आपको दिख रहा है ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब मैं ले चुका हूँ यहाँ पे ये पिक सेंटर पॉइंट, अभी ये यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और उसके बाद सेंटर पॉइंट ये यहाँ का लूंगा मैं सर्कल, क्योंकि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है मैं रोटेट करना चाहता हूँ। और कितने आइटम्स मैं रखना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, तो मुझे चाहिए
सिक्स आइटम और एंगल कितना चाहिए 360 में फील होना चाहिए प्रीव्यू। तो देखिए आ चुका है ये यहाँ पे, तो आप ऐसा रखेंगे तो भी चलेगा, या फिर राइट बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और ये भी कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे रोटेट करके दिखा देता हूँ, आर ओ एंटर, आर ओ मतलब रोटेट और इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके मैंने दिखा दिया है, आर ओ याद रखना है, रोटेट। अब देखिए रोटेट क्या हो रहा है, राइट क्लिक और ये सेंटर पॉइंट लेके मैं यहाँ पे 30 एंगल दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इस तरफ है। एक तो ड्राइंग पूरा बनाने के बाद आप रोटेट करेंगे तो भी चलेगा दोस्तों, या पहले से इसे रोटेट करके रखेंगे और अब एरे देंगे तो भी चलेगा। एरे में देखिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, दोबारा देखिए एरे किस तरह से करना, राइट क्लिक, फिर वहाँ पे पोलर एरे रहना चाहिए, पोलर एरे में भूल गया था, यहाँ पे पोलर एरे है और उसके बाद अभी पिक सेंटर पॉइंट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट चाहिए और यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू मतलब देखना कि किस तरह से आएगा ये एरे, और अच्छा लगा एरे, ये प्रॉपर लगा एरे तो राइट बटन क्लिक करके इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद आप ट्रिम बटन यूज कर सकते हैं, अभी यहाँ पे टी आर डबल एंटर। ट्रिम किसको करना होगा, ये आपको जो सर्कल है इसे इस तरह से ट्रिम करना होगा, यहाँ पे आपको ये इस तरह से ट्रिम करके रख देना है, क्योंकि ऊपर का जो सर्कल है वो हमें हाफ सर्कल ही यहाँ पे दिखा देना है। तो मैं यहाँ पे ट्रिम करके आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या ट्रिम कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ये पूरा का पूरा सर्कल यहाँ पे मैं ट्रिम कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मेरा ट्रिम करके हो गया दोस्तों, राइट क्लिक करके एंटर कर दूंगा, यहाँ पे ट्रिम हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा आगे क्या करना है, ये जो सर्कल्स है इस तरह से नहीं है ड्राइंग में, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिलेट दिखाई देगा, एक फिलेट है और वो फिलेट कितने का है, 5 का है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस तरह से फिलेट आपको दिख रहा है, तो ये फिलेट 5 का हमें देना होगा यहाँ पे। तो किस तरह से देंगे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलेट के लिए एफ एंटर शॉर्टकट की है, अगर आपने मॉडिफाई टूलबार प्रॉपरली देखा होगा, मॉडिफाई में एफ, यहाँ पे फिलेट ऑप्शंस भी रहता है राइट कॉर्नर में, आपको मैं दिखा देता हूँ फिलेट ऑप्शंस है यहाँ पे, तो वो आप करेंगे या प्रैक्टिस कर लिया होगा तो आपको आता होगा। तो एफ एंटर मैं कर दिया है मैंने यहाँ पे फिलेट के लिए, और उसके बाद मैं आर एंटर करूंगा रेडियस, यहाँ पे आपको दिख रहा है फिलेट के लिए यहाँ पे कमांड्स आ चुके नीचे, तो आर एंटर रेडियस, तो रेडियस दे रहा हूँ फिलेट का मैं, जो रेडियस है 5 एंटर कर देता हूँ, और एम एंटर करो, एम यानी कि मल्टीपल टाइम्स मुझे करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एम मल्टीपल टाइम्स मुझे ये फिलेट करना है, और एम करने के बाद मैं बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली सभी कॉर्नर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, फिलेट होने वाले हैं। तो आपको क्लिक करना होगा सभी कॉर्नर्स पे इस तरह से, चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये पूरा फिलेट हो चुका है। अब है जो इंटरनल है पार्ट, यहाँ पे हमें बनाना है, वो किस तरह से बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ विड्थ वगैरह हमें मेंशन नहीं की है, यहाँ पे जो दोनों के बीच में गैप है वो विड्थ हमारे पास नहीं है, यहाँ पे दी भी नहीं है, और यहाँ पे एक लाइन दी है, जैसे मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये लाइन जो है वो सेंटर पॉइंट से जा रही है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे दूसरी लाइन है, और यहाँ से ये शेप बन चुका है। तो मैं इसे किस तरह से देखूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए ये शेप मुझे जनरेट करने है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5 शेप्स जनरेट होनी चाहिए। तो मैं क्या लॉजिक बिल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर वहाँ पे डिस्टेंस रहता तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस नहीं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पीएल कर रहा हूँ और इस सेंटर पॉइंट से पॉली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस सेंटर पॉइंट तक। अब देखिए यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ पे ये छोटे वाले सर्कल के सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ की मैंने, और मैं आर ओ एंटर करूंगा दोस्तों, आर ओ रोटेट यानी इसे सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पे क्लिक करके, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 10 का रोटेशन दे रहा हूँ, और फिलहाल मैं दूसरा पॉली लाइन यहाँ पे दोबारा ले रहा हूँ पीएल एंटर करके, और इसे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक लाइन इस तरह से मैंने पहले ड्रॉ की थी, उसको रोटेट करके यहाँ पे रखा, दूसरी लाइन पे इसे ऐसे ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे एक डिस्टेंस मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया, और जिसका सेंटर पॉइंट यहाँ से ही है। तो अब मैं इसे एरे यूज करूंगा, यहाँ पे एरे मैं आपको दिखा देता हूँ। एरे में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, एरे काफी आसान है, पोलर एरे ही लेना है दोस्तों, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में पिक कराओ और इधर क्लिक करो सेंटर पॉइंट में, लेकिन ऑब्जेक्ट कितने चाहिए और एरे में नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 5 चाहिए, और मैं प्रीव्यू करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे 5 बार वो रिपीट हो चुका है, मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे ये लिया क्यों फिर, इसके लिए लिया दोस्तों क्योंकि वो मुझे एक ब्लॉक यहाँ पे तैयार होना चाहिए, वो सभी इक्वली साइज का रहना चाहिए, तो इसलिए एक ब्लॉक तो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो मैंने ये साइड का डिलीट कर दिया, और मैं ट्रिम बटन यूज करूंगा, टी आर डबल एंटर। जी हाँ, टी आर डबल एंटर से मैं इसे ट्रिम करूंगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या ट्रिम किया है,
और आपको ये एक ही शेप मिल चुका है। यहाँ पे अभी एक शेप ही चाहिए था हमें, और कौन सा शेप मैंने रखा है जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रॉपरली ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये शेप के बाद आपको यहाँ पे दिया है फिलेट वापिस R3, R4, R6 एंड R9, लेकिन यहाँ पे आपको जो फिलेट दिया है, रेडियस दिया है सबका, वो यहाँ पे एक बात नोटिस कीजिए कि फिलेट किसके ऊपर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आर्क और आर्क यूज किया था, ऊपर का जो फिलेट मैंने दिया है आर्क और आर्क था तो फिलेट हो जाएगा। यहाँ पे आर्क है, यहाँ पे पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन पॉलीलाइन में फिलेट होता है, आर्क आर्क में फिलेट होता है, लेकिन एक आर्क और पॉलीलाइन में फिलेट नहीं होता है। आप यूज करके देखेंगे तो भी फिलेट और आर्क यहाँ पे काम करने वाला है नहीं है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो मुझे R3 चाहिए तो फिलेट काम नहीं करेगा। इसके लिए एक सोल्यूशन है, ड्रॉ में सर्कल में आप देखेंगे, सर्कल में एक हमारे पास ऑप्शन रहता है 10-10 रेडियस, अब ये काम पे आएगा यहाँ पे। तो 10-10 रेडियस यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, इसके बाउंड्री पे मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। पहला रेडियस 10, पहला टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट, उसके बाद रेडियस देना है आपको 3 इंटर। ओके क्लियर। तो उसके बाद रिपीट 10-10 रेडियस में कर देता हूँ, राइट क्लिक करके आपको दिख रहा है यहाँ पे, राइट क्लिक रिपीट 10-10 रेडियस, और यहाँ पे पहला, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे 4 इंटर इस तरह से। ओके तो रिपीट आपको एंटर बटन प्रेस करके नहीं लेना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिपीट लेना है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर का ऑप्शन है, एंटर करेंगे तो सर्कल ड्रॉ होने के लिए आ जाता है। तो राइट क्लिक करके रिपीट कीजिए, पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और 6 है, और फिर से मैं राइट क्लिक करके रिपीट करूँगा, और यहाँ पे अभी ये 9 है। तो एक मिनट, गलत हो गया, मैं फिर से इसे ले लेता हूँ, ड्रॉ में से लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिलीट कमेंट लास्ट किया था तो वो डिलीट ही आएगा रिपीट में। 10-10 रेडियस यहाँ पे, 1, 2 एंड 9 रेडियस। ओके तो मैं अभी ट्रीम यूज़ करूँगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्रीम करने के बाद किस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। मैं जो अनवांटेड चीज़ें हैं वो इस तरह से यहाँ पे ट्रीम करके हटा रहा हूँ दोस्तों। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको ये लग रहा होगा कि यार इतनी बड़ी ड्राइंग, डिफिकल्ट ड्राइंग, लेकिन अभी ये ड्राइंग आपको बहुत इजी लग रही है। एक शेप मिल चुका है, देखिए एक शेप मिल गया, और उसके 5 शेप्स बनाना मतलब बहुत आसान है आपके लिए। अभी एरे यूज़ कीजिए भाई, एरे के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट में ये कॉर्नर से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, बाद में चाहिए तो इसको ब्लॉक बना सकते हैं आप। और ब्लॉक कैसे बनाना है इसका लेक्चर भी है, इसके ऊपर पहले ही अपलोड किया है मैंने, कुछ सीरीज में है, अगर आपने सीखा हो वेल एंड गुड। यहाँ पे मैं पिक सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे 5वें ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीव्यू कर देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ, एक्सेप्ट। चलिए यहाँ पे आपकी बन गई है ड्राइंग दोस्तों, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने ड्राइंग बना दी है। और आप यहाँ पे डायमेंशंस में जाइए, रेडियस डायमेंशंस दे सकते हैं आप, जिसको रेडियस डायमेंशन देना है यहाँ पे आप इस तरह से दे सकते हैं। और डायमेंशन स्टाइल उसकी साइज वगैरह नहीं आ रही फिलहाल, तो आप डी इंटरफेस कीजिए, और डी इंटर करने के बाद मॉडिफाई, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हैं डायमेंशंस के लिए। ये डायमेंशंस के सभी लेक्चर्स में मैंने बताया, सिंबल और एरो साइज, टेक्स्ट साइज, ऑल एंड किस तरह से बढ़ानी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका रेडियस आ चुका है, तो आप ऐसे रेडियस वगैरह डायमेंशंस में शो कर सकते हैं। तो चलिए इस ड्राइंग का आप प्रैक्टिस कीजिए, और ये ड्राइंग अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यहाँ पे गूगल पे इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कैट 2D ड्राइंग्स, और आपको मिल जाती है नीचे, आप सर्च करेंगे तो ये ड्राइंग, या फिर मेरा वीडियो पॉज करके इसकी रीडिंग्स आप देख सकते हैं किस तरह से, और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा आपको। मैं मिलूंगा आपको ऑटो कैड के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों सीखते रहो, सिखाते रहो।